भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं, ताकि लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीजेपी को मजबूती से टक्कर दी जा सके। इसी सिलसिले में भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। वहीं महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए भीम आर्मी प्रमुख ने मुख्यमंत्री जी को बधाई दी। इसी दौरान दोनों नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और रणनीति पर बात की। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं। पटना में आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों के लिए 2 दिवसीय कैडर कैंप चल रहा है। गौरतलब है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बीते बिहार विधानसभा चुनाव में प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन यानी पीडीए की हिस्सा थी। वहीं आपको बता दें कि जिसमें पप्पू यादव मुख्यमंत्री का चेहरा थे, बिहार में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके हैं। इस गठबंधन में एमके फौजी की पार्टी एचडीपीआई भी शामिल थी। हालांकि इस गठबंधन को बिहार चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना दिलचस्प की बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद और नीतीश कुमार की मुलाकात में क्या फर्क पड़ता है।